मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के लोग उन मुद्दों के बारे में सोच रहे हैं जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी बड़ी चुनौती है। मैं नरेंद्र मोदी ऐप और MyGov पर आपके कमेंट्स पढ़ रहा था और मैंने देखा कि पानी की समस्या को लेकर कई लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। बेलगावी के पवन गोराई, भुवनेश्वर के सितांशु मोहन परिदा, इसके अलावा यश शर्मा, साहब अल्ताफ और भी कई लोगों ने मुझे पानी से जुड़ी चुनौतियों के बारे में लिखा है। पानी का हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। ऋग्वेद के आपः सुक्तम में पानी के बारे में कहा गया है, आपो हिष्ठा मयो भुवः स्थान ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षसे यो वः शिव तमो रसः तस्य भाजयतेह न उष्टीरिव मातरः। अर्थात जल ही जीवनदायिनी शक्ति ऊर्जा का स्रोत है। आप माँ के समान यानी मातृवत अपना आशीर्वाद दें, अपनी कृपा हम पर बरसाते रहें। पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है, सिर्फ 8%। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही जन भागीदारी से, जन शक्ति से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। जल की महत्ता को सर्वोपरि रखते हुए देश में नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। इससे पानी से संबंधित सभी विषयों पर तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे। कुछ दिन पहले मैंने कुछ अलग करने का प्रयास किया। मैंने देश भर के सरपंचों को पत्र लिखा, ग्राम प्रधान को। मैंने ग्राम प्रधानों को लिखा कि पानी बचाने के लिए, पानी का संचय करने के लिए, वर्षा के बूंद बूंद पानी बचाने के लिए वे ग्राम सभा की बैठक बुलाकर गांव वालों के साथ बैठकर के विचार विमर्श करें। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस कार्य में पूरा उत्साह दिखाया है और इस महीने की 22 तारीख को हजारों पंचायतों में करोड़ों लोगों ने श्रमदान किया। गांव गांव में लोगों ने जल की एक एक बूंद का संचय करने का संकल्प लिया। आज मन की बात कार्यक्रम में मैं आपको एक सरपंच की बात सुनाना चाहता हूँ। सुनिए, झारखंड के हजारीबाग जिले के कटक मसांडी ब्लॉक की लुपुंग पंचायत के सरपंच ने हम सबको क्या संदेश दिया है। हमारा नाम दिलीप कुमार रविदास का है। पानी बचावे ले जब प्रधानमंत्री हमनी के चिट्ठी लिखल थीन तो हमनी के ये विश्वास ना हो लगल कि प्रधानमंत्री हमनी के चिट्ठी लिखल थीन। जब हमने 22 तारीख के गांव के लोगों के इकट्ठा करके प्रधानमंत्री के चिट्ठिया पढ़ के सुने लिए तो गांव के लोगों ने बड़ी उत्साहित भेल थीन और पानी बचावे खातिर तालाब के सफाई, नया तालाब बनावे ले श्रमदान करके अपन अपन भागीदारी निभावे ले गांव के लोगों ने तैयार भेल थीन। बारिश से पहले ये उपाय करके हमनी के आगे दिक्कत पानी के लिए ना होता है। ये अच्छा रहा कि हमनी के प्रधानमंत्री हमिन के ठीक समय में आगाह कर दिल थीन। बिरसा मुंडा की धरती, जहाँ प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना संस्कृति का हिस्सा है, वहाँ के लोग एक बार फिर जल संरक्षण के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मेरी तरफ से सभी ग्राम प्रधानों को, सभी सरपंचों को उनकी इस सक्रियता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में ऐसे कई सरपंच हैं जिन्होंने जल संरक्षण का बेड़ा उठा लिया है। एक प्रकार से पूरे गांव का ही वो अवसर बन गया है। ऐसा लग रहा है कि गांव के लोग अब अपने गांव में जैसे जल मंदिर बनाने के स्पर्धा में जुट गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, सामूहिक प्रयास से बड़े सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पूरे देश में जल संकट से निपटने का कोई एक फॉर्मूला नहीं हो सकता है। इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है और वह है पानी बचाना, जल संरक्षण।
पंजाब में ड्रेनेज लाइन्स को ठीक किया जा रहा है। इस प्रयास से वाटर लॉगिंग की समस्या से छुटकारा मिल रहा है। तेलंगाना के थिमाईपल्ली में टैंक के निर्माण से गांवों के लोगों की जिंदगी बदल रही है। राजस्थान के कबीरधाम में खेतों में बनाए गए छोटे तालाबों से एक बड़ा बदलाव आया है। मैं तमिलनाडु के वेल्लोर में एक सामूहिक प्रयास के बारे में पढ़ रहा था, जहाँ नाग नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 20,000 महिलाएं एक साथ आई। मैंने गढ़वाल की उन महिलाओं के बारे में भी पढ़ा है जो आपस में मिलकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के कई प्रयास किए जा रहे हैं और जब हम एकजुट होकर मजबूती से प्रयास करते हैं तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जब जन जन जुड़ेगा, जल बचेगा।